चलो यार, मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ पार्टी में जाने के लिए। और गाइस ये सामने देखो यार, ये झूला कितना बढ़िया लग रहा है। गाइस ये जो मेरा पड़ोसी है ना यार, ये झूले का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। मतलब गाइस अभी इसका झूला ये पूरा रेडी तो हुआ नहीं है, लेकिन गाइस कुछ ही दिनों में इसका झूला भी ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया करके सेंचर हम तो यही घूमे करेंगे। अरे हाँ फ्रेंकल भाई, बढ़िया घूमे करेंगे। लेकिन फ्रेंकल भाई यार, पार्टी में जाना, जल्दी रेडी होके आ जाओ। अब सेंचर रेडी तो हूँ भाई, और क्या चाहिए। अरे फ्रेंकल भाई, ये कोट के नीचे क्या पहन रखा है यार, तुम्हारी कोट की पैंट कहाँ है। अब यार सेंचर, मैं तेरे को क्या बताऊँ, मैंने पूरा घर छान मार लिया, लेकिन सेंचर मेरे को कोट की पैंट भाई मिली नहीं रही। अरे तो ऐसे जाओगे क्या फ्रेंकल भाई, अभी तो यार बहुत गंदे लग रही हो यार, या तो कुछ दूसरे कपड़े पहन लो। अबे सिंचन भाई, ये कोट पैंट पता है कितने महंगे थे, बहुत महंगे मैं लेके आया था, लेकिन पता नहीं भाई इस कोट की पैंट कहाँ चली गई। तो सिंचन भाई इस पजामे में ही चलते हैं। अरे पागल हो क्या फ्रेंकल भाई, मुझे तो सिंचन ऐसा लगता है भाई मेरी कोट पैंट की जो पैंट है ना, वो ये चॉप का बच्चा कहीं ले गया। अब वाजप बोले मैं क्यों लेके जाऊंगा, और वैसे वाजप बोले मुझे पार्टी में लेके जा रहा, नहीं लेके जा रहा। अरे चॉप के बच्चे, पार्टी में जाने से पहले ये तू क्या कर रहा है। ले वाजप सिंचन, मैंने तो पोटी कर दी। ओहो चॉप के बच्चे, तू पोटी करते रहियो, आ सिंचन भाई फटाफट से चलते हैं पार्टी में। अरे यार फ्रेंकल भाई, मैं तो कह रहा हूँ यार कपड़े चेंज ही कर लो। सिंचन मैं तेरे को सही बताऊँ, मेरे पास भाई कोई नए कपड़े है ही नहीं भाई, मैं यार पहनू तो पहनू गया। चलो यार ये खड़ी अपनी प्यारी गाड़ी, अब फटाफट से चलते हैं अपने दोस्त की पार्टी में। और गाइस आज तो सच बता रहा हूँ काफी ज्यादा खाना पीना खाऊंगा, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। ओए सिंचन और चॉप भाई फटाफट से आ जाओ। चलो भाई सिंचन और चॉप भी आ चुके हैं। अब भाई साहब बोले मैं क्या कह रहा हूँ, भाई साहब एक बार गाड़ी रोके, सोफे पे बैठना है। अरे चॉप की बच्ची, तू पागल है यार, अब गाड़ी के ऊपर चुपचाप से बैठ रहे। अब भाई सब सिंचर भाई, मैं तो आराम से भाई सोफे के ऊपर बैठना चाहता हूँ। अरे चुप की बच्चे, अब उधर ही बैठ रही हूँ। अरे फ्रेंकल भाई तुमने यार गाड़ी रोकने मत, वरना फ्रेंकल भाई यार पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ सिंचर, मैं पागल थोड़ा हूँ जो चॉप के चक्कर में यार ये गाड़ी दोबारा रोकू, फिर चॉप को यार इस सोफे पे बिठाऊ, इससे बढ़िया यार हम फटाफट से चलते हैं और पार्टी में पहुंचते हैं। और वैसे भी सिंचन भाई, मेरे दोस्त का घर अब ज्यादा दूर रह नहीं गया, फटाफट से पहुंच के मजे से सिंचन वहाँ पे बहुत कुछ खाऊंगा। अरे फ्रेंकल भाई यार, मैं क्या कह रहा हूँ यार, इस गाड़ी को ना यार सर्विस पे देखे जाओ यार, बहुत गंदी चल रही है और इसमें से खट्टा रस्सी जैसी आवाज आ रही है। सिंचन आवाज तो आ रही है इस गाड़ी में से, लेकिन भाई इस गाड़ी के अंदर अजीब सी स्मेल भी हो गई है। अरे लगता है फ्रेंकल भाई यार अपने ने यार पो कर दिया। अबे नहीं सिंचन, मैं क्यों करूंगा भाई पो। एक सेकंड सिंचन, ये बंदा तो, एक सेकंड भाई ये तो वही बंदा है। अरे कौन है फ्रेंकल भाई? ओए मोटे, आज तुझे छोड़ूंगा। ओए भाई फ्रेंकल, ओ फ्रेंकल मैं क्या करूं भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दे। अबे कहां भाग रहा है, रुक जा मोटे कहीं के। अरे फ्रेंकल भाई क्या बात हो गई यार, ये तुमसे डर के क्यों भाग रहा है। अबे सिंचन मैं तुझे क्या बताऊं, पिछले महीने इसने ना मुझसे पूरे 10 रुपए लिए थे, लेकिन सिंचन एक महीना बीत चुका है अभी तक 10 रुपए दिए नहीं। चले क्या सिंचन, देख अब धीरे धीरे जा रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंकल भाई, छोड़ो यार 10 रुपए क्या कह रहे हो यार, 10 रुपए तो मैं अपने दोस्तों को यूं ही दे देता हूँ, 10 क्या 100 रुपए बांट देता हूँ। अच्छा सिंचन, तू मेरी कमाई ऐसे उड़ा रहा है। अरे कहाँ फ्रेंकल भाई यार, मेरे पक्के वाले दोस्त है, इसलिए मैं यार उनको 100 रुपए दे देता हूँ। अब बात सब कर लो, मैं क्या कह रहा हूँ बात, अब ये तो 100 रुपए दोस्तों को यूं ही दे देता है, लेकिन बात सब कर लो तू तो मुझे 10 रुपए भी नहीं देता। अब चॉप के बच्चे तू क्या करेगा पैसों का, तेरे को मैं पेडिग्री हर महीने ला के खिलाते देता हूँ। अरे हाँ चॉप के बच्चे, तू ना घर में सबसे ज्यादा खाना खाता है, मतलब फ्रेंकल भैया के पैसों से सबसे ज्यादा ही खाना खा लेता है तू, और मैं तो कुछ भी नहीं खाता। अब रहने सिंचन भाई, तू तो भाई कलुए के 100 रुपए यूं उड़ा रहा है, दोस्तों को देके आता है 100 रुपए प्रैंकल की कमाई उड़ा रहा है भाई सब। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने दोस्त के घर पे जस्ट पहुंचने वाले हैं। अरे कौन सा घर लिया है तुम्हारे दोस्त ने फ्रेंकल भैया? यही घर है देख सिंचन भाई, इसने ना यही घर लिया है और इसी घर की खुशी में तो ये पार्टी दे रहा हमको। अरे वाह पार्टी मिलेगी। एक सेकंड सिंचन, लेकिन यहां पे यार कोई पार्टी वार्टी का प्रोग्राम तो मेरे को लग नहीं रहा। और भाई कैसा है तू? अरे फ्रेंकल आ गया मेरे घर पे भाई, मैंने तो तेरे को भाई उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया मतलब? अरे मैंने घर तो खरीद लिया, लेकिन कोई पार्टी वार्टी नहीं दे रहा भाई, मैंने बस तेरा उल्लू बनाया। अरे यार अंकल, यार तुमने उल्लू कैसे बना दिया यार, तुम्हें पता है मेरे पेट में बहुत ज्यादा चूहे कूद रहे हैं। अरे तो बेटा घर से खाना खा के आना चाहिए था ना। अरे घर से क्यों खाना खा के आऊं यार, जब तुम्हारे यहाँ पार्टी, अगर घर में खाना खा लूंगा तो तुम्हारी पार्टी में क्या खाना खाऊंगा। पार्टी वार्टी कोई नहीं बेटा, चलो निकलो। अरे भाई तुझे हो क्या गया यार, तू मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है, तू तो मेरा बचपन से दोस्त है ना। अरे फ्रेंकल मैं बचपन से तो तेरा दोस्त हूँ, लेकिन भाई मुझे ना कुछ लोगों ने भड़का दिया, वो कह रहे गिर और गया सिंचन, बेइज्जती होगी सबके सामने। अब बात सबको ले बेइज्जती होगी तेरे तो। अब यार चौमू मैं क्या कह रहा हूँ, अपना घर ही दिखा दे भाई। चल तू मेरा बचपन का दोस्त है, चल घर ही देख ले, लेकिन पार्टी वार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। आ जा सिंचन एक बार इसका पूरा घर देख के आ जाए भाई, इसने कैसा घर लिया है। अरे फ्रेंकल भाई यार तुम्हारे दोस्त तो बड़ा ही बेकार है यार, वैसे तुम्हारे बचपन का दोस्त है लेकिन फ्रेंकल भाई पार्टी भी नहीं दे रहा तुमको। हाँ सिंचन ये बात तो तू सही कह रहा है, ये कहाँ पे आ गए भाई, ये तो हम भाई मेन रोड पे आ गए। अरे वाह इसके घर में यार काफी ज्यादा गेट है भाई, दरवाजे ही दरवाजे हैं गाइस चारों तरफ। ये लोग दूसरी साइड आ गए। अरे वाह यार यहाँ से तो काफी बड़ा बंगला लग रहा है, और देखो भाई कितना बड़ा स्विमिंग पूल भी है। वैसे गाइस चौमू ने ना मेरे को अभी टोका नहीं है, देखो यार मैं कोट के साथ पजामा पहन के आ गया, और यार चौमू ने यार मेरे को टोका भी नहीं कि भाई तू पजामा पहन के आया। एक सेकंड भाई ये छोटा स्विमिंग पूल कितना प्यारा लग रहा है, एक बार जाके देखो क्या। बढ़िया यार सिंचन के लिए तो काफी बढ़िया है ये स्विमिंग पूल, काश यार ये घर मेरा होता ना तो कितने मजे आते। चलो छोड़ो गाइस हमारा घर तो है नहीं, लेकिन हाँ गाइस एक दिन ऐसा घर अपने पास भी जरूर आएगा। ओए चॉप के बच्चे तू है का? अब आवाज सबको ले मैं तो गाड़ी पे ही हूं, लेकिन सिंचन कहां है? अरे फ्रेंकल भाई मैं तो यार घर देख रहा हूं घर। और चौमू भाई अब मैं क्या कह रहा हूं, तू फटाफट से
पैसे निकल, पैसे। अरे ब्रैंकिल यार, कौन से पैसे? तू कभी देके भूल गया क्या? पहले तो ये ले घुसा का चौमू के बच्चे। एक तो तूने मेरा जीना हराम कर दिया। ये कौन आंटी थी भाई, बड़ी तेज भगी? अब बात बोले तूने बढ़िया करा भाई इसके घुसा मार के। अबे हाँ चौप भाई, एक तो भाई इसने हमसे बोला पार्टी है, और चौप तुझे पता है भाई मैंने पूरे यार 10 दिन से काफी एक्साइटेड था कि भाई आज मेरे को पार्टी मिलेगी, लेकिन भाई इसने सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी। अरे फ्रेंकिल भाई, तुम तो 10 दिन से एक्साइटमेंट थी, लेकिन फ्रेंकिल भाई जिस दिन तुमने मुझे बताया था ना कि आज के दिन पार्टी पे जाना है, तो फ्रेंकिल भाई मैं तो उसी दिन से काफी एक्साइटेड हो गया था। अब सिंचन भाई क्या ही कर सकते हैं, इसने तो सिंचन हमारा उल्लू बना दिया, लेकिन अब करे तो करे क्या। अब बात बोले मैं क्या कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट से खाना पीना खिला दे। अब चौप के बच्चे मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है भाई, मेरे पास ना सिंचन 10 रुपए भी नहीं पड़े। अरे फ्रेंकिल भाई 10 रुपए तो मेरे पास पड़े, लो मुझसे ले लो। अब सिंचन 10 रुपए में आता ही क्या है भाई आजकल, ले हमारी गाड़ी और ठुक गई। अब सिंचन भाई इस गाड़ी को ठीक कराओ, उसमें पैसे देने पड़ेंगे। अब बात बोले मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी 2 गुल्लक है ना घर पे, बात बोले तेरी दोनों गुल्लक को फोड़ दे फटाफट से। अरे हाँ वैसे ये सही आइडिया दिया तूने। अरे फ्रेंकिल भाई यार गुल्लक फोड़ दोगे फिर तो तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि जितने भी पैसे निकलेंगे ना गुल्लक में से वो सारे तो मैं अपने दोस्तों के साथ उड़ा दूंगा। अब सिंचन भाई फिर एक्सीडेंट हो गया, और ये चौप का बच्चा तो नीचे ही कर गया। अब बात बोले तूने तो मेरी हड्डी पतली चटका दी। अब सिंचन भाई मैं क्या सोच रहा था, सिंचन अपने घर में जितने भी पैसे ना, मतलब अपने जितने भी गुल्लक है, जितने भी हमारे बैंक वगैरह में पैसे, सिंचन आज सब निकालते हैं और सिंचन भाई एक ना बंगला खरीदते हैं। अरे वाह फिर तो बहुत मजा आएगा फ्रेंकिल भाई, नए घर में रहने को मिलेगा। और क्या सिंचन भाई, उस घर में रहते रहते अब तो मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, लेकिन सिंचन तुझे क्या लगता है अपने पास भाई टोटल अभी कितने पैसे होंगे? अरे मुझे क्या पता फ्रेंकिल भाई, तुमने मुझे तो आज तक बताया नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो चल सिंचन भाई आज घर पे चल के ना अपने सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और गिन के देखेंगे सिंचन अपने पास कितने पैसे होते हैं, और फिर सिंचन लेंगे भाई एक काफी बड़ा बंगला, और सिंचन अपने सारे दोस्तों को पार्टी देंगे। मेरा दोस्त है तो सिंचन मेरे को पार्टी दी नहीं, लेकिन सिंचन मैंने अपने सारे दोस्तों को पार्टी दूंगा। अरे वाह फ्रेंकिल भाई यार, अब तो बहुत ओपी हो यार, चलो फटाफट से घर पे चल के यार पैसे गिनते हैं। हाँ सिंचन वैसे यार अपने लॉस एंटोस में कितना जाम रहने लग गया ना आजकल। अरे हाँ फ्रेंकिल भाई, जब पिछली बार यार लॉकडाउन लगा था ना, तो यार इस रोड पे यार बिल्कुल भी गाड़ी नहीं थी, और अब देखो जैसे ही लॉकडाउन हटा तो देखना यार कितनी ज्यादा भीड़ होगी। चल सिंचन फटाफट से घर पे पहुंच के ना फटाफट से अपने पैसे वगैरह गिनते हैं कि भाई अपने पास है कितने पैसे, और सिंचन अगर कम पैसे हुए ना तो सिंचन एक ओपी वाली कार खरीद लेंगे। अरे हाँ फ्रेंकिल भाई यार, और ज्यादा ही पैसे हो गए तो फ्रेंकिल भाई कैसा हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। वाओ यार सिंचन, काश हमारे पास हेलीकॉप्टर भी होता तो कितना मजा आता। अरे फ्रेंकिल भाई यार, हमारे पास काश प्लेन होता यार बड़ा वाला तो और ही मजा आता। नहीं सिंचन भाई, प्लेन कोई ऐसे मामूली बंदा ले ही नहीं सकता, प्लेन तो सिंचन भाई सरकारी प्लेन होते हैं। तो ले सिंचन भाई, अपने घर पे भी फाइनली हम पहुंच ही गए यार। अब ये क्या ड्रामा है सिंचन? अरे ये क्या चीज है फ्रेंकिल भाई? ओए मेरे पड़ोसी, ये क्या चीज है? ओए ओए मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन भाई तुझे एक बात बताया, मेरे जो झूला ना भाई कल तक तैयार हो जाएगा मेरा झूला। भाई मेरी दुकान पे जरूर आना और मेरे घर के बाहर झूला झूल कर जरूर जाना। अब मैं तेरे घर के बाहर आके झूला जरूर झूलूंगा, लेकिन भाई एक बार मेरे को बता दे ये ट्रक के पीछे का हिस्सा यहाँ पे मेरे घर के बाहर कौन रखा चले गया? अरे मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, कल से मेरी झूले की दुकान चालू हो जाएगी, जरूर आके मेरी झूले की दुकान पे झूलना और मेरे को अमीर बनाना। अबे चुप हो जा भाई। गाइस देख, तो मेरे घर के बाहर ये खाली जगह रहते ना, तो कोई भी अपनी गाड़ी वाड़ी पता नहीं क्या क्या गाइस मेरे घर के बाहर खड़ी करके चले जाते हैं, और आज तो गाइस हद ही हो गई भाई। ये देखना गाइस, ये काफी बड़े ट्रक का ना पीछे का हिस्सा है जो कि मेरे घर के बाहर कोई खड़ा करके चले गया। अरे वे इधर है, और इसे हटा ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने घर के बाहर ये ट्रक के पीछे के हिस्से को खड़े करने की? अरे रुक तेरे को अभी बताता हूं, पहले तू भाने का भाई है। अरे मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अरे मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी मजाक तुम्हारा निकालता हूं, तुझे पता है मैं कौन हूं डानू? ये ले। अरे अच्छा है, मेरे को मारते है। अरे मारे फ्रेंकिल भाई, ले सिंचन भाई इसका तो चश्मा ही गिरा दिया, 2 घूसे मारे इसको मैंने। अच्छा 2 घूसे मारे, अब तीसरा घूसा मैं मारूंगा। बहुत बढ़िया बहुत जुड़ा, फ्रेंकिल जीत, फ्रेंकिल तू जीतेगा, अगर तू जीता तो तेरे को फ्री में झूला झिलाऊंगा। अरे यार मैं क्या करूं गाइस, ये तो गाइस मेरे ऊपर ही चढ़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी मैं इसे बताता हूं। अरे मारे फ्रेंकिल भाई, अच्छा मुझे मारेगा तू? अरे आवाज कौन निकाल रहा बच्चा, जो मारो मारो चिल्ला रहा है। अच्छा बेटे मेरे सिंचन के बारे में तू कुछ बोलेगा तो मैं तेरे को छोड़ूंगा थोड़ा ना, देख सिंचन एक घूसे में ही गिरा दिया। अरे भाई ये तो बेहोश हो गया फ्रेंकिल भैया। आ सिंचन फटाफट से घर में यार, गिनते हैं सिंचन के अपने पास आखिरकार कितने पैसे हैं, उसके बाद सिंचन नया घर भी तो खरीदना है हमको। अरे हाँ यार नया बंगला खरीदना है। वैसे गाइस मैं क्या सोच रहा था, अगर हमारे पास पैसे कम पड़े ना तो गाइस हमने अपने इस वाले घर को बेच देंगे। गाइस आपको क्या लगता है, हमको ये वाला घर बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए? आप लोग ना गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं ये वाला घर बेच के नया घर खरीद लूं या फिर इस घर को ना बेचूं? फटाफट से गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो, और गाइस आप लोग ना जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अरे हाँ गाइस यार, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और सिंचन भाई शाउट आउट कब देगा? अरे हाँ फ्रेंकिल भाई यार, देंगे ना आगे शाउट आउट देंगे। और गाइस यार अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए ना तो गाइस आप लोग ना फटाफट से इस वीडियो पे कमेंट कर दो। गाइस जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना कल की वीडियो में मैंने यार उसको शाउट आउट दे दूंगा। फटाफट से गाइस आप लोग कमेंट कर दो यार, आप लोग सारे मेरे प्यारे वाले दोस्त यार। तो फाइनली गाइस सिंचन और मैंने गाइस बहुत मेहनत करी, और गाइस जितने भी हमारे पास पैसे थे ना गाइस हमने सारे पैसे निकाले। ये देखो गाइस टेबल पे देखो भाई कितने सारे पैसे पड़े हुए हैं। अरे फ्रेंकिल भाई यार बताते दो यार ये कितने पैसे हैं। गाइस आप ये जो पैसे देख रहे हो ना, जितने भी गाइस ये टेबल पे पड़े हुए हैं गाइस, ये पूरे 10 लाख रुपए हैं। तो गाइस मैंने ना गाइस हर जगह से अपने पैसे निकाले,
है जहाँ पर भी मेरे पैसे थे। तो गाइस पूरे पैसे टोटल मिला के यार 10 लाख ही हो पाए। सिंचन 10 लाख में कोई घर आएगा क्या? अरे 10 लाख में फ्रिंगल भैया यार कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी यार। रहने दे फ्रिंगल भैया, अब तो सोचो भी मत, या तो इस घर को बेच दो जब जाके नया घर खरीद पाओगे। हाँ सिंचन भाई, अगर इस घर को हम बेचेंगे तो कम से कम सिंचन हमको 50 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। 50 लाख इस घर के हो गए और 10 लाख सिंचन हमारे पास है, तो टोटल मिला के 60 लाख हो जाएंगे। अरे फ्रिंगल भैया वैसे यार इस घर को बेचो मत यार, ये घर ना हमारा बहुत सही है। हाँ सिंचन मेरा भी मन नहीं यार इस घर को बेचने का। तो सिंचन एक काम करते हैं, जब हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे ना, जब हम मेहनत करके कमा लेंगे उसके बाद सिंचन एक बड़ा बंगला ले लेंगे। अभी सिंचन एक काम करते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास जितने भी पैसे ना, इन पैसों से सिंचन भाई फटाफट से चल के ना एक बढ़िया सी गाड़ी खरीद लेते हैं। अरे हाँ फ्रिंगल भाई यार एक ओपी वाली गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत मजा आएगा यार। बढ़िया सिंचन, गाड़ियों की नॉलेज सिंचन बैनी को सबसे ज्यादा है, तो बैनी को बुला लेता हूँ कॉल करके। और क्या बैनी भैया को बुला लो, और बैनी भैया से बोलना कुछ पैसे वो भी डाल के लिए, अगर ज्यादा महंगी गाड़ी हुई तो फ्रिंगल भाई वो भी पे कर देंगे। हाँ सिंचन तो सही कह रहा है, चलो फटाफट से बैनी को कॉल कर लेता हूँ। और सिंचन चलते हैं भाई एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदने के लिए। और ये जो सिंचन हमारे पास पुरानी वाली गाड़ी है ना, इसको सिंचन एक काम करेंगे, इसको ना बेच देंगे। अरे हाँ बेच देने, या फिर बैनी भैया को बेच देना इसको, देखेंगे सिंचन फटाफट से। मैं बैनी से बात कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी मेरी बैनी से तो बात हो चुकी है, और गाइस बैनी ने मेरे को अभी एक सीक्रेट बात बताई है। गाइस बैनी ने बताया भाई अपने लॉस एंटोस के अंदर ना एक ऐसी भी दुकान है गाइस जिसके अंदर ना भाई वाटर कार मिलती है, और गाइस हमको ना यार वो वाटर कार खरीदनी चाहिए और फिर उसको बेच देना चाहिए। चल सिंचन फटाफट से पैसे लेके आ। तो लो गाइस यार सिंचन और मैंने मिलके भाई सारे पैसे यार गाड़ी के अंदर तो रख चुके हैं, और गाइस अब हम जा रहे हैं फटाफट से बैनी की लोकेशन पे। गाइस बैनी ने मेरे को एक लोकेशन भेजी है, वहीं पे यार मेरे को बैनी भी मिलेगा। अरे वाह फ्रिंगल भाई यार हम तो यार पहली बार वाटर कार देखेंगे। अब बात बोले ये कौन सी कार होती है, ये कोई नई कार निकली क्या? अबे नहीं चॉप, ये कोई नई कार नहीं निकली भाई, ये ना कोई यूनिक कार है। और सिंचन तुझे पता है बैनी ने मेरे को क्या बताया? सिंचन हम उस वाटर कार को खरीदेंगे और उसके भाई उसे ना उसे एक बाबा के पास बेचेंगे। अरे किसके पास बेचेंगे? सिंचन उसके बाद भाई उसे खरीदने के बाद हम ना भाई एक बाबा के पास बेचेंगे। वो बाबा सिंचन बैनी बता रहा था भाई उस बाबा के अंदर ना काफी मैजिक पावर है, और भाई उस कार के वो ना हमको काफी अच्छे खासे पैसे दे सकता है। अरे वाह तो चलो यार फटाफट से। तो ले सिंचन भाई हम अपनी लोकेशन पे भी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देख सिंचन भाई कितनी सारी ओपी ओपी कार है। अरे वाह अरे वाह, आ गया मेरा दोस्त, आ गया मेरा दोस्त, आ गया। अरे हाँ बैनी मैं आ गया। अरे गाइस यहाँ पर देखो ये फायर कार भी है और काफी ओपी ओपी कार है। अरे फ्रैंकल भाई एक बार तू कार छाट ले, तुझे कौन सी चाहिए? अरे कौन सी चाहिए, तूने फोन पे बताया था भाई मेरे को वाटर कार लेनी चाहिए। हाँ वाटर कार ही लेके जाएंगे, लेकिन कितना प्राइस है उसका? प्राइस सर उसका है पूरे के पूरे 12 लाख। 12 लाख यार मेरे पास तो 12 लाख है भी नहीं। अरे फ्रैंकल भाई तू बस जन कर भाई, तुझे चाहिए नहीं चाहिए, 10 लाख की मैं लगवाऊंगा। हाँ बैनी भाई तू ना बस इस कार को 10 लाख की लगवा दे। ये है गाइस अपनी फायर कार जो कि मैं नहीं लेने वाला, मैं लेने वाला हूँ गाइस वाटर कार। ये देखो भाई ये है वाटर कार, इसके अंदर से पता नहीं गाइस पानी निकल तो निकल कहाँ से रहा है। बढ़िया गाइस काफी ओपी कार लग रही है। वैसे यार ये तो कोई एसयूवी टाइप कार लग रही है गाइस, 10 लाख रुपए में तो कोई नॉर्मल कार भी आई जाती। चलो छोड़ो गाइस एक बार मैं इसे चला के देख लेता हूँ कि आखिरकार ये कैसे चल रही है। अब बोले मैं कह रहा हूँ गिर गिरा मत जियो। अरे यार फ्रिंगल भाई तुम्हें पता है मैंने गाड़ी के अंदर से नहीं निकल रहा। अबे सिंचन गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा तू? क्योंकि फ्रिंगल भाई यार अगर गाड़ी से बाहर निकल गया तो यार पैसे चोरी हो जाएंगे, सारे के सारे पैसे फ्रिंगल भाई हमारी गाड़ी में रखे हुए ना। अच्छा सिंचन इसलिए नहीं निकल रहा। हाँ तो सर बताइए गाड़ी डन करें या फिर नहीं करें? अरे फ्रैंकल जल्दी बता भाई गाड़ी लेनी है नहीं लेनी? क्या करूँ यार मेरे समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रिंगल भाई मैं क्या कह रहा हूँ खरीद लेते हैं, उसके बाद इसे ना बाबा को बेच देंगे महंगे दामों में। 11 लाख में खरीद लेते हैं यार, 12 लाख में बाबा को बेच देंगे। हाँ सिंचन ये भी तो सही कर रहा है, बाबा को बेच देंगे। क्या बात कर रहे हो तुम, किसको बाबा को बेच दो? अरे ना कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ बात नहीं कर रहे हम। तो फाइनली 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 गाइस हमारी जो पेमेंट है वो पूरी डन हो चुकी है, और गाइस ये जो गाड़ी है ना अब हमारी हो चुकी है। अब जाने वाले हैं गाइस हम इस गाड़ी को बेचने के लिए। आज सिंचन भाई जल्दी से बैठ जाए। अरे हाँ फ्रिंगल भाई बैठ रहा हूँ। और गाइस आप सोच रहे होगे चॉप का बच्चा कहाँ चले गए? तो गाइस अभी ना चॉप का एक दोस्त आया था, जो मेरी पुरानी वाली गाड़ी ना चॉप और उसका दोस्त यार घूमने चले गए। सिंचन फटाफट से बैठ यार। अरे लो फ्रिंगल भाई बैठ गया यार। चल बैनी भाई बताओ उस बाबा की लोकेशन कहाँ है? अरे फ्रैंकल तुझे पता है वो बाबा ना भाई काफी खतरनाक है, उन बाबा को भाई पहाड़ी वाले बाबा बोला जाता है, लेकिन भाई वो रहते हैं एक ऐसे लोकेशन पे। और भाई वहाँ पे चलते ना तुझे सबसे पहले बाबा जी को नमस्ते करना है। वो बाबा ना एक बिल्ली के साथ रहता है, वो बिल्ली भाई जादुई बिल्ली है, वो जादुई बिल्ली ना भाई उनको पावर देती रहती है बीच बीच में। अरे वाह पावर यार, वो जादुई पावर यार बिल्ली हमको भी दे सकती है क्या? अरे नहीं वो कोई मजाक थोड़ी ना, जब बिल्ली तेरे को पावर दे देगी। वैसे सिंचन भाई बारिश का मौसम सा हो गया। अरे हाँ लगता है फ्रैंकल भाई बारिश आने वाली है। और फ्रैंकल मैं तुझे पहले बता तो उस बाबा से ना 22 लाख रुपए मांगे उस गाड़ी की। 22 लाख मतलब भाई सीधा डबल, हमने 11 लाख की खरीदी और डायरेक्ट 22 लाख रुपए मांगे। और क्या भाई अमीर होना है तो भाई ज्यादा पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे। तो गाइस अभी ना पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं, और यहाँ पर देखो गाइस हम उस बाबा की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और गाइस अभी ना यार काफी तगड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अरे हाँ फ्रिंगल भाई यार बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यार बारिश में ना यार फ्रिंगल भाई गाड़ी में बैठने में मुझे तो बहुत ही मजा आता है यार। आ सिंचन भाई जल्दी से बात करते हैं। अरे हम नीचे बात करेंगे, फ्रैंकल के बच्चे तू ही बात कर। अबे बैनी भाई लेकिन तू लेके आए? ओए कौन हो तुम लोग, मेरे अड्डे पे काहे को आए हो? अरे बाबा जी मैं क्या कहता, ये गाड़ी देखो कितनी प्यारी है। अरे
मैं क्या करूँ, गाड़ी तो तेरी है, पिरारी हो या छड़ी हुई हो, मुझे उससे क्या करना, सड़ी हुई गाड़ी लग रही है मुझे तो। सड़ी हुई गाड़ी कह रहे हैं गाइस ये बाबा, तो इसका मतलब ये इस गाड़ी को खरीदेंगे नहीं क्या? अरे मैं बात करता हूँ फ्रैंकल के बच्चे, तू तो बात नहीं कर पाएगा। बाबा इस गाड़ी को खरीद लो, काफी ओपी कार है और सस्ते में दे देंगे। अबे बहनी सस्ते में क्यों देंगे, अबे चुप हो जाए फ्रैंकल। अरे हाँ बाबा जी आप खरीद लो, एक काम करो आपको मैंने ये कार 22 लाख रुपए में दे दूंगा। 22 लाख रुपए में इतनी सस्ती? और गाइस ये तो 22 लाख रुपए को कह रहे हैं इतनी सस्ती। अरे बाबा जी आप खरीद लो यार। अरे हाँ बाबा जी खरीद लो यार गाड़ी को। इस गाड़ी में ऐसा है क्या जो तुम इस गाड़ी को इतना सस्ता दे रहे हो? अरे वाह इस गाड़ी के अंदर से तो ये पानी की धार निकल रही है, लेकिन ये पानी की धार निकल कहाँ से रही है? अरे बाबा जी यही तो यूनिक बात है इस गाड़ी की, बस आप खरीद लो। अच्छा अभी देखता हूँ इसे चला के, बहुत अच्छी कार है लेकिन मुझे बढ़िया नहीं लगी। दिखने में अच्छी है लेकिन चलाने में अच्छी बिल्कुल नहीं है, तो एक काम करते हैं इसे अवॉइड कर देते हैं, इस गाड़ी को मैं खरीदूंगा नहीं। बढ़िया है पीछे हो जा। अरे मेरे को गाड़ी चलानी भी तो नहीं आती, हो जा पे। अरे नहीं 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 क्या कर दिया मैंने सिट सत्यानाश, ये गाड़ी तो पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूँ? अब तो उस बच्चे को मुझे 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उसकी 22 लाख की कार मैंने सीधा सीधा पानी में डाल दी। कोई दिक्कत नहीं मेरे पास तो मेरी जादुई बिल्ली है, जादुई बिल्ली से 22 लाख रुपए मांग लूंगा, वो मुझे दे भी देगी। जादुई बिल्ली मुझे ऊपर बुला। लो जादुई बिल्ली ने ऊपर भी बुला लिया। अरे भाई साहब तुम एकदम से यार ऊपर कैसे आ गए? अरे यही तो मेरी जादुई बिल्ली का कमाल है। बोला था ना फ्रैंकल इनके पास जादुई बिल्ली है जो कि इनके अंदर पावर देती रहती है, लेकिन अब मैं क्या करूं, 22 लाख रुपए कहां से दूं? जादुई बिल्ली यहां 22 लाख रुपए ला। ए जादुई बिल्ली 22 लाख रुपए ला। अरे ये बिल्ली कभी कभी नखरे कर देती है, अभी अगर इसने 22 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं इसकी गाड़ी का कर्जा कहाँ से उतारूंगा? अरे बाबा जी क्या कर रहे हो, आपने तो मेरे को ही धक्का दे दिया। अरे धक्का मुक्की छोड़, अब मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं? तेरी गाड़ी तो मैंने पानी में गिरा दी। अरे क्या पानी में गिरा दी? अरे बाबा रे पानी में क्यों गिरा दी बाबा जी हमारी कार? अरे यार अब मैं क्या करूं? अरे बाबा जी पैसे तो देने पड़ेंगे हमारी गाड़ी के। पैसे तो दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है तू बहनी के बच्चे? तुझे मैं बहुत पहले से जानता हूं और यहां पे आके नखरे दिखा रहा है, बिल्ली से पावर दे। अरे वाह ये क्या हो रहा है बेटा, अभी तेरे अंदर छोटी मोटी पावर दे दी। पावर दे दी मतलब? अरे लगता है फ्रैंकल भाई तुम्हारे अंदर भी बाबा जी ने मैजिक पावर दे दी। मैजिक पावर दे दी बेटा, जा तू जा बेटा, तुझे जो चाहिए तू मांग ले वो तेरे पास आ जाएगा, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सका। बढ़िया गाइस सही है भाई, बाबा ने मेरे को 22 लाख रुपए नहीं दिए, मेरे को भाई मैजिक पावर दे दी, लेकिन इस मैजिक पावर को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तो मेरे को अभी बिल्कुल भी यूज करनी नहीं आती। एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ पे लोहे का हिस्सा रखा हुआ है ये गायब हो जाए। अरे गाइस ये तो गायब ही नहीं हुआ, लगता है गाइस ये ना पावर कुछ अलग तरीके से यूज करी जाएगी। एक काम करता हूँ जाके ना बाबा से ही पूछ लेता हूँ। नहीं यार पहले मैं खुद सोच के देखता हूँ, यहाँ पर मैं काफी ऊंची जंप लगाने लग जाऊँ। अरे वाह गाइस देखो यार मैंने ऊंची जंप लगाई भाई, बढ़िया गाइस। नहीं यार मैंने ऊंची जंप तो नहीं लगाई, एक और बार लगा के देखता हूँ। ये देखो भाई इस बार तो पक्का भाई मैंने काफी ऊंची जंप लगाई गाइस, जस्ट मैंने भी बोला कि भाई मैंने जस्ट ऊंची जंप लगाने लग जाऊँ, तो देखो भाई मैं कितनी ऊंची ऊंची जंप लगाने लग गया। बढ़िया, इसका मतलब भाई अब मैं जो सोचूंगा वो होगा क्या? यार ये तो काफी ओपी पावर दे दी बाबा ने। सिंचन तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, तू ऊपर कैसे आ गया? तू तो नीचे था। एक सेकंड भाई अब ये गायब कैसे हो गया, जल्दी जाके चेक करना पड़ेगा, कहीं ये बाबा हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा। ओए सिंचन यहाँ क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकल भाई तुम्हारे अंदर कौन सी मैजिक पावर आ गई? सिंचन भाई अभी तो तू ऊपर था। अरे ऊपर कहाँ था फ्रैंकल भाई, मैं तो यार जस्ट नीचे था, ये कब से बहनी भैया के साथ? अरे बेटा वो मैं अपनी बिल्ली को टेस्ट कर रहा हूँ कि ये पावर का इस्तेमाल कैसे नहीं कर रही, इसे मैंने ऊपर भेजा था तेरे सिंचन को। अच्छा भाई ये बाबा के अंदर तो गाइस खूट खूट के जादुई पावर भरी हुई है मेरे को तो ऐसा लग रहा है। चलो अब एक काम करता हूँ मैं ना, ये जो बारिश हो रही है ना इसको बंद कर देता हूँ यार, मेरे को तो काफी ज्यादा ठंड लगने लग गई। कैसे बोलूं, हाँ ये जो बारिश है बंद हो जाए। अरे बहुत बढ़िया गाइस, काफी ओपी पावर है यार, बारिश तो जस्ट यूं ही बंद हो गई। अब गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, जिस जिस चीज की गाइस मेरे को नीड है ना वो सब कुछ यहाँ पे मांग लेता हूँ फटाफट फटाफट। तो फाइनली गाइस अभी पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं और गाइस यहाँ पर देखो भाई मैंने कितना कुछ सोचा और वो सब चीज गाइस हमारे सामने आ गई। सबसे पहले गाइस मैंने संजन के लिए काफी सारी रिमोट कंट्रोल कार मांगी, उसके बाद गाइस यहाँ पे काफी सारे यूनिक गाइस काफी बड़े ट्रक मांगे और गाइस इनका जो टायर है ना वो तो भाई मेरे साइज का है। अरे हाँ फ्रैंकल भाई बहुत बड़े बड़े टायर है यार, ये टायर नहीं सिंचन ट्रक है। अरे हाँ फ्रैंकल भाई वही। और गाइस यहाँ पर देखो मैंने कितना सारा गोल्ड मांगा है, गाइस ये इतना सारा गोल्ड है मैंने पूरी लॉस सैंटोस की जनता को भाई बिठा के खिला सकता हूँ 1 महीने तक। अरे फ्रैंकल भाई इस गोल्ड में से ना थोड़ा यार बेनी भैया को भी दे देना। हाँ सिंचन दे दूंगा। और यहाँ पे गाइस जितनी भी आप ये साइकिल देख रहे हो ना, ये सारी की सारी साइकिल गाइस मैंने ना बेनी के लिए मांगी हुई है। अभी यार बेनी ना यार बाबा जी के लिए यार चाय बनाने गया है, बाबा ने बोला है कि चाय बना दो, तो बेनी जाके चाय बना रहा है यार। अरे हाँ फ्रैंकल भाई
यार, बेने भैया तो बाबा जी के यार नौकर बन गए। और गाइज ये देखो भाई, ये है गाइज उड़ने वाली बाइक, वो की मैंने काफी सारी यहाँ पे मांग ली है, बहुत बढ़िया यार। और गाइज जस्ट आगे देखो यहाँ पे कितनी सारी सुपर कार है गाइज, सारी गाड़ियों का गाइज कलर तो मेरे को काफी प्यारा लग रहा है। इतनी सारी चीजें मांग ली गाइज, मेरे को तो विश्वास भी नहीं हो रहा भाई ये मैजिक पावर मेरे अंदर आई है, ये सब कुछ मैंने सोचा है। अभी गाइज मैंने काम करूंगा, जल्दी से अपने घर जाता हूँ और घर जाके और भी कुछ सोचूंगा। अरे फिंगल भाई यार शाउट आउट तो दे दूं। हाँ सिंचन एक काम कर, तू ना सबको शाउट आउट दे दे। आ सिंचन पहले भाई ये उड़ने वाली बाइक पे बैठते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट नाम है यार सविता पंडित, और गाइज सेकंड नाम है यार दीक्षित, और गाइज थर्ड नाम है यार अपना अमित, और गाइज फोर्थ नाम है यार अपना यार रोहित, और गाइज अपना फिफ्थ नाम है यार यसिर इरशाद, और गाइज अपना सिक्स्थ नाम है यार रोशन, और गाइज हमारा सेवंथ नाम है यार प्रवरंजन राय, और गाइज हमारा एट्थ नाम है यार राहिल अंसारी, और गाइज हमारा नाइन्थ नाम है यार अरम, तो गाइज हमारा टेंथ नाम है यार अजलन, और गाइज अपना इलेवंथ नाम है यार मिफ्ताफुल इस्लाम, और गाइज हमारा ट्वेल्थ नाम है यार हार्दिक गंगोलिया, और गाइज अपना थर्टीन नंबर है यार सुरेंद्र कुमार, और गाइज अपना फोर्टीन नाम है यार हर्षित, और गाइज अपना फिफ्टीन नाम है यार मनोज यादव, और गाइज अपना सिक्सटीन नाम है यार ममनीता कौर, और गाइज अपना सेवेंथ नाम है यार जिसान, और गाइज अपना एट नाम है यार बिलाल, और गाइज अपना नाइनटीन नाम है यार अनमोल, और गाइज अपना ट्वेंटी नाम अबरार यार। तो गाइज आप सभी लोगों को यार बिग शाउट आउट टू यू। तो गाइज आप सभी दोस्तों ने यार कल वाली वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट करी थी, तो गाइज मैंने ना सबको शाउट आउट दे दिया। और गाइज अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो गाइज आज की वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट कर दो, जिसके भी गाइज सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना कल की वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइज, ट्रैंकिल सिंचन आपके भाई तो यार फटाफट गाइज अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइज प्यारा वाला बाय।